वेलकम फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी में। चलिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन करते हैं आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले क्वेश्चन है कि ए 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड इंटरमीडियंटली बेड वेटिंग, एक 7 साल का बच्चा है जो क्या कर रहा है, बेड वेटिंग कर रहा है, मतलब बेड पे सुसु कर रहा है, इसे क्या कहते हैं, नॉक्चुरनल नॉक्चुरनल एनुरेसिस एनुरेसिस नॉक्चुरनल एनुरेसिस एटलीस्ट 2 टाइम ए वीक 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 में दो टाइम। द नर्स एंटीसिपेट विच ड्रग टू बी प्रिस्क्राइब बाई फिजिशियन। अब 7 साल का बच्चा है जो बेड वेटिंग कर रहा है वीक में 2 टाइम, तो नर्स जो है उसे क्या, कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब करेगी, एंटीसिपेट विच ड्रग टू, इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है इसका, सिंपली सबसे पहले मैं बता दूँ आपको क्या करना है, यहाँ पर मोटिवेशनल थेरेपी देनी है, और ड्रग ऑफ चॉइस तो हो जाएगी डेस्मोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन ड्रग ऑफ चॉइस होगी डेस्मोप्रेसिन। इसका ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस अगर पूछ ले, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा क्या, मोटिवेशनल थेरेपी। बच्चा जब रात को सुसु करता है तो उसे आप मोटिवेट करें, या फिर उसके साथ साथ में उसके अलार्म लगाएं, या फिर उसे मैनेज करें कि उसको जो है मोटिवेट करें कि रात को सोने से पहले आपको सुसु करना है, या फिर अलार्म लगा लो, अलार्म जैसे बजे आपको सुसु करके आना है। मोटिवेशनल थेरेपी उसको देते हैं। तो बेड वेट नॉक्चुरल एनुरेसिस जो होता है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस तो होती है डेस्मोप्रेसिन। क्या होती है, डेस्मोप्रेसिन। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, डेस्मोप्रेसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉक्चुरल एनुरेसिस का मतलब मैं थोड़ा बता दूँ आपको कि नाइट के टाइम बच्चा सुसु करता है, नाइट टाइम सॉरी नाइट टाइम यूरिन पास आउट करता है, और इसकी जो एज रहती है, एज बता दूँ, ये एज रहती है मोर देन 5 ईयर्स, और इसको ड्रग ऑफ डेस्मोप्रेसिन देते हैं, और मोटिवेशनल थेरेपी उसको देंगे, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगी या फिर अलार्म लगाएंगे। अगर डेस्मोप्रेसिन जो है ऑप्शन में ना हो तो बहुत इसका राइट इसका ऑप्शन क्या होगा, इमीप्रामाइन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में, इमीप्रामाइन जरूर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। अब शायद आपको समझ में भी आया होगा कि जो नॉक्चुरल एनुरेसिस है, नाइट के टाइम बच्चा यूरिन पास आउट करता है बेड पर ही, तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस जो होगी वो डेस्मोप्रेसिन होगी, और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगी वो होगी मोटिवेशनल थेरेपी, और अलार्म उसको लगाएंगे। और अगर ये ऑप्शन में नहीं हो, डेस्मोप्रेसिन ऑप्शन में नहीं हो, तो इमीप्रामाइन इसका राइट आंसर जाएगा। क्या जाएगा, इमीप्रामाइन इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच अमाउंग द फॉलोइंग इज एडेड विद ORS टू कंट्रोल डायरिया, ORS टू कंट्रोल डायरिया। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताएं दोस्तों कि जो ORS है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ORS की फुल फॉर्म क्या होगी, सभी बताना दोस्तों मुझे ORS की जो है फुल फॉर्म क्या होगी, कमेंट करें ORS की फुल फॉर्म कमेंट करें भाई, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरिया से क्वेश्चन अक्सर आता ही आता है। यस चलिए बताइए ORS की फुल फॉर्म क्या होगी, ORS, तो ORS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ओरल रिहाइड्रेशन, मतलब रिहाइड्रेट करना है उसको, जो डिहाइड्रेट हुआ है वो रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, क्या ORS रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करें अपन कि इन्होंने क्या बोला है, ORS टू कंट्रोल डायरिया, इन्होंने बोल ही दिया कि ORS तो देना ही देना है, एडेड विद एडेड उसके साथ क्या ऐड करेंगे, ORS के साथ ऐड करते हैं अपन क्या,
ओआरएस के साथ क्या ऐड करते हैं? तो सोच रहा है कॉपर, जिंक, कैल्शियम या पोटेशियम, क्या देंगे बताइए ओआरएस के साथ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओआरएस के साथ अपन लेंगे क्या? रेन, जिंक। ब्यूटीफुल, जिंक अपन देंगे। अब बात करें जिंक की जो डोज की है, अगर 6 मंथ से छोटा बच्चा है तो उसको 10 mg डोज देंगे, ठीक है। मोर देन 6 मंथ का है तो उसे कितने, 20 mg, और कितने दिनों तक देंगे उसे, 14 दिनों तक ये डोज देते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जिंक की कितनी डोज देंगे, 6 मंथ से छोटे बच्चों को 10 mg, 6 मंथ से बड़ा हो उसको 20 mg, और कितने दिनों तक, कितने दिनों तक, 14 दिनों तक अपन उसको देते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो जिंक होता है उसका यूज, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में, एक्यूट माल न्यूट्रिशन में, डायरिया में, विल्सन डिजीज में, इसके अलावा एक्रोडर्मेटाइटिस में, एक्रो डर्मेटाइटिस में इसका यूज किया जाता है जिंक का। बात करते हैं अब ओआरएस की, तो ओआरएस जो है, ओआरएस के अंदर जो है पोटेशियम कितना होता है, ओआरएस के अंदर पोटेशियम कितना होता है, तो बताइए सभी राइट आंसर दीजिए कि ओआरएस के अंदर पोटेशियम, पोटेशियम कितना होता है, 20, सोडियम कितना होता है, 75, ग्लूकोज 75, और सिट्रेट जो है 10, और क्लोराइड जो है वो कितना होता है, 65। अब बात करें पूरे पैकेट की, ओआरएस की जो ओस्मोलैरिटी कितनी होती है, 245 मिली ओस्मो पर लीटर। इम्पोर्टेंट है ये पूरे पैकेट की हो गई। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट रिसोमॉल क्या होता है, रिसोमॉल क्या होता है, रिसोमॉल होता है रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन फॉर माल न्यूट्रिशन, मॉल न्यूट्रिशन। ओके चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जिंक। अपने को कौन सा ऐड करना है, वो करना है अपने को जिंक ऐड करना है। क्या ऐड करना है दोस्तों, जिंक ऐड करना है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से कि ओआरएस कंट्रोल डायरिया एडेड विद जिंक, जिंक के साथ, क्योंकि जिंक जो होता है ओआरएस के साथ जिंक दिया जाता है, और जिंक ओरल सॉल्यूशन अगर जिंक की जो डोज है, ये जो डोज है ये जिंक की डोज है, तो 6 मंथ से छोटा बच्चा है तो 10 mg, और 6 मंथ से बड़ा है तो 20 mg, 14 दिन तक देते हैं। इसके अलावा जिंक का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो जिंक का यूज़ कर सकते हैं सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन SAM में, शैम में, इसके अलावा डायरिया में, विल्सन डिजीज में, और एक्रोड डर्मेटाइटिस में इसका यूज़ किया जाता है। अब ORS है तो इसके अंदर पोटेशियम 20 mmol होता है, 20 mmol होता है। क्या होता है, 20 mmol होता है। सोडियम कितना होता है, 75 mmol। ग्लूकोज होता है 75 mmol। 10 mmol होता है। सिट्रेट और क्लोराइड होता है 65 mmol। तो टोटल ऑस्मोलरिटी जो होती है वो 245 mmol पर लीटर होती है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं रेसमोल, रिसोमाल क्या होता है, रिसोमाल होता है रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन फॉर माल न्यूट्रिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नॉर्मल नियोनेटल हार्ट रेट,
नॉर्मल नियोनेटल की हार्ट रेट कितनी होगी? चलिए बात कर लेते हैं नॉर्मल नियोनेटल की हार्ट रेट की बात कर रहे हैं, नियोनेटल की वो भी। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉरसेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, नॉरसेट 2020 का क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपन लेंथ की। लेंथ के जो नॉर्म होती है 50 सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर, 1 साल के बच्चे की जो होती है वो 75, 4 साल के बच्चे की लेंथ होती है 100 और 12 साल के बच्चे की लेंथ होती है 150 सेंटीमीटर। रिमेंबर आप देख सकते हैं लेंथ डबल डबल होगी फोर्थ ईयर पे, डबल होगी फोर्थ ईयर पर, एंड और जो लेंथ है वो ट्रिपल हो जाएगी, 12 ईयर पर। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल नियोनेट के हार्ट रेट की बात करते हैं। तो हार्ट रेट की बात करें अपन, हार्ट रेट जो होता है नॉर्मल नियोनेट के लिए कौन सा होता है, तो वो होता है 120 to 160 बीट्स पर मिनट होता है। क्या होगा? बीट्स पर मिनट होगा, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ये है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नियोनेटल जो है इसका रेस्पायरेशन कितना होता है, नॉर्मल नॉर्मल रेस्पायरेशन ये जब अपन बात करते हैं तो वो होता है कितना, 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं अपन नॉर्मल हेड सरकमफेरेंस, हेड सरकमफेरेंस और नॉर्मल चेस्ट सरकमफेरेंस। नेक्स्ट तो होता है ये 33 to 35 और ये होता है 32 to 33 सेंटीमीटर। दोस्तों ये था एक छोटा सा सेशन जिसमें अपन ने 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए, और ये छोटे छोटे सेशंस भी आपको मिलते रहेंगे बीच बीच में। अभी मैंने सिर्फ ये डेमो क्लास दी है कि अपन एमसीक्यू करने वाले हैं, तो एमसीक्यू भी इस तरीके से अपन कर सकते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, क्वेश्चंस की जो लिमिट होगी वो इंक्रीज आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।